विशाल पांडे के फैंस अब चाहते हैं कि विशाल पांडे को वापस शो में लाया जाए। हालांकि शो खत्म होने के लिए दिन ही कितने बचे हैं जो कि उनको शो में लाया जाए। किस वजह से एक्चुअली में शो में लाके मेकर्स भी क्या करेंगे। ऐसे काफी सारे सीजन्स में काफी सारे अच्छे कंटेस्टेंट को बीच में ही बाहर निकाला गया और फिर मैंने ऐसे टैग्स जो है देखे जो कि सोशल मीडिया पर चले और उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के जो है मैंने खुद हिस्सा लिया और आप तक भी ऐसे टैग्स पहुंचाए, उसकी डिटेल्स पहुंचाई। अब जो है ब्रिंग बैक विशाल पांडे ये टैग जो है चल रहा है और इस टैग में इस वक्त लगातार जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी भावनाएं जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब ये टैग जो है कब से चलने लग गया था, आज एपिसोड देखने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ कि आज एपिसोड देखा और आज एलिमिनेशन देखी तो लोग जो है आज ये टैग चलाने लग गए हैं। क्यों ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो कि आज टैग चलाने लग गए और जब अनाउंसमेंट कर दिए कि फिनाले जो है 2 तारीख को है तो आखिरकार लेके किस लिए आएंगे, तो ये सब चीज़ें जो है लोगों के दिमाग में उठती है और मेरे भी दिमाग में उठी। पर ये टैग जो है ये तब से स्टार्ट हो गया था जब से ये इस हफ्ते जो है नॉमिनेट हुए थे और विशाल पांडे के एविक्शन की खबर जो है बाहर आई थी, जो कि एक पोस्टर बाहर आया था। जियो सिनेमा ने गलती से इस पोस्टर को जो है एविक्ट के पोस्टर को जो है वो पोस्ट कर दिया था। उसके बाद से काफ़ी सारी जगहों पर हल्ला मचा कि विशाल पांडे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है और तरह तरह की बातें लोगों ने की। उस वक्त ही जो है लोगों ने ये चीज़ टैग स्टार्ट कर दिया था, विशालियंस ने ये टैग स्टार्ट कर दिया था कि ब्रिंग बैक, अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो हम पहले ही प्रेशर डाल रहे हैं कि उसको भेजना ही मत, ब्रिंग बैक विशाल पांडे। तो अब अगर देखा जाए तो ये आज का एविक्शन देखने के बाद जो है इस टैग में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग, तो ये टैग ऊपर आ चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि विशाल वापस आए, तो पर ऐसे लोग हैं जिनको समझ में है कि भाई 2 तारीख को फिनाले है तो आखिरकार किस तरीके से बाहर वो वापस कैसे लेके आ सकते हैं, और वापस आ भी नहीं सकता है लॉजिकल अगर देखा जाए, पर इस टैग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना दर्द अपनी भावनाएं जो है वो शेयर कर रहे हैं कि कैसा फील कर रहे हैं वो लोग विशाल पांडे के जाने के बाद। विशाल पांडे कितना डिजर्व करते थे, विशाल पांडे का ये एविक्शन फेयर हुआ या नहीं हुआ, इस तरह तरह की, इस तरीके की तरह तरह की बातें जो है इस टैग में अभी सुनने के लिए देखने के लिए मिल रही है। आपका क्या कहना है विशाल पांडे के एविक्शन के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप विशाल पांडे के फ़ैन हैं और आप उनको प्यार दिखाना चाहते हैं अपना, तो इस टैग में पार्टिसिपेट कीजिए कि उन तक ये वीडियो ये टैग जो है वो ज़रूर पहुँचे।